आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम यम्मी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी रसगुल्ला। रसगुल्ला बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप आसानी से इसे बना पाएंगे और कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये हमने सूजी से बनाए हैं। सूजी से भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बिल्कुल मॉइस्ट, बिल्कुल जूसी हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट ही हमें लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे बना पाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूजी के रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है। चीनी डाल लेते हैं और इसके साथ ही हम 1.5 कप इसमें पानी डाल लेंगे। 1 कप चीनी लेंगे तो 1.5 कप हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसकी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी को हमें हल्का सा पतला ही रखना है, कोई तार वार नहीं बनाना है, हल्का सा इसको पतला ही रखना है क्योंकि रसगुल्ले हम इसमें पकाएंगे, तो चाशनी को पतला ही रखेंगे। उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे। अब हम एक और पैन लेंगे, उसमें 1 कप मैं दूध डाल रही हूँ। आप कोई भी 1 कप सेट कीजिए और उसी कप से आप सारा सामान ले लीजिए। और इसमें 1/2 कप मैंने यहाँ सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप मिक्सी में चलाकर उसे बारीक कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से हमें इसको मिलाते हुए ही पकाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे पकता जाएगा हल्का सा ये गाढ़ा होता जाएगा। चलाते हुए हमें इसे पकाना है अच्छे से। सूजी के रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसी स्टेज पर, मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ, आप इसी स्टेज पर यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं तो और भी ज़्यादा ये सॉफ्ट और भी ज़्यादा ये जूसी हो जाएंगे और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। तो चलिए इसे हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए ये, और इसे चलाते हुए पकाना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, मीडियम टू लो रख सकते हैं आप, हाई बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होता जाएगा। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच आप इसमें देसी घी डाल सकते हैं जिससे ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग हो जाएगी इसमें और ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप देख पा रहे हैं घी डालने के बाद ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, ये पैन छोड़ने लगा है। धीरे धीरे ये डो की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ये बन जाएगा। देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसने पैन बिल्कुल छोड़ दिया है, तो ये बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, मैंने प्लेट में निकाल दिया है, हल्का सा ठंडा करना है, पूरी तरह से ठंडा इसको बिल्कुल नहीं करना है। अब थोड़ा सा घी डालकर हम इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 मिनट हमें इसको अच्छे से मसल कर चिकना करना है। देखिए, ये अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम इसमें से बॉल्स बना लेंगे। तो जितनी बड़ी या छोटी आपको रसगुल्ले चाहिए तो उसी के हिसाब से आप इसमें से इसकी बॉल्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ नींबू से भी छोटी छोटी इसकी बॉल्स बनाई हैं। देखिए, इसको हथेली पर बिल्कुल अच्छे से हल्के हाथ से मसल कर चिकना करना है। देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, एक भी इसमें क्रैक नहीं है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकने हमें बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। देखिए, सारी बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अब हम इसे चाशनी में पका लेंगे। देखिए, चाशनी भी मैंने गरम कर ली है दोबारा से। इसमें हम 1-1 करके रसगुल्ले डाल देंगे और इसको हमें लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकाना है। तो चलिए, सारी बॉल्स हम डाल देंगे इसमें। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल प्यारी प्यारी। अब मैं इसमें 10 से 12 केसर के धागे डाल रही हूँ।
केसर के धागे बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इससे हल्का सा कलर चेंज होगा और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी। तो चलिए इसको हल्का सा चलाते हुए हम पका लेंगे। ज़्यादा इनको टच नहीं करना है, हल्का सा बस, जैसे मैं यहाँ स्पैचुला से कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हैं। और 7 से 8 मिनट हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। इसे आप ढककर भी पका सकते हैं, तो मैं यहाँ ढक्कन लगा कर इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। देखिए 6 से 7 मिनट हो गई है, आप देख सकते हैं, देखिए ये पहले से डबल हो गए हैं, हल्के से फूल गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, ये पहले से हल्के से फूले हुए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं, अंदर तक इसमें चाशनी चली जाएगी। अब इसे हम 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए रसगुल्ले बनकर तैयार हैं, मैं यहाँ कट करके दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल अंदर तक इसमें जूस चला गया है, अंदर तक इसमें रस भरा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं, आप ऐसे बना सकते हैं और सिर्फ 10 मिनट भी इसमें पूरे नहीं लगते हैं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ आप दूध में सूजी को पका रहे हैं तो वहाँ आप 2 से 3 चम्मच चीनी ज़रूर डाल लीजिए, जिससे और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, आप सोशल साइट पे इसे शेयर कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है रसगुल्ले, आप इसको दिवाली पे बना सकते हैं, दिवाली आ गई है, त्योहारों में आप कुछ नया नया ट्राई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे दिवाली पे बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी ये बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और इस दिवाली पर एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली।